तो गाइस मेरा नाम है नितिश बसी एंड ये स्कूटर एक सीक्रेट स्कूटर है। ये अभी लॉन्च नहीं हुआ, इसका नाम भी लॉन्च नहीं हुआ, बट आपके लिए हम ले आए हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए भगाते हैं। तो दोस्तों एम्पियर एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने जा रहा है, जिसके पहले इन्होंने एक बड़ा ही तगड़ा कैंपेन शुरू कर दिया K2K कश्मीर टू कन्याकुमारी। तो ये पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर भी नहीं, मैं बोलूंगा पहला स्कूटर बन रहा है जिसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक लेके आया जा रहा है, मतलब 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा। तो रेंज एंजाइटी वाली चीज को दूर करने की कोशिश है एंड वो बताने की कोशिश है कि ये स्कूटर बहुत ज्यादा तगड़ी बिल्ड क्वालिटी के साथ है। एंड एक यूनिक चीज बताऊं, ये एक अलग कैटेगरी का स्कूटर है। वेल कंपनी कह रही है देखो, एक होता है फैमिली स्कूटर, एक होता है स्पोर्ट्स स्कूटर, ये मिक्सचर बना रहे हैं। वो कहते हैं कि ऐसा स्कूटर बना रहे हैं हम, ऐसा स्कूटर ये है, जब लॉन्च होगा तो मेरे जैसे जवान लड़के भी चलाना चाहेंगे क्योंकि थ्रिल मिलता है एंड क्योंकि ये फैमिली स्कूटर जैसी शेप, कंफर्टेबल सीट एंड सब कुछ मिल रहा है, उस वजह से वो फैमिली वाले लोग भी इसे लेना प्रेफर करेंगे। देखो यार मुझे नहीं पता इसके स्पेक्स, क्योंकि कंपनी ने अभी तक स्पेक्स बताए ही नहीं है। ऊपर से ये पूरा कवर्ड है एक स्टिकर के साथ, जैसे एक नॉन लॉन्च्ड स्कूटर्स या नॉन लॉन्च्ड व्हीकल्स रहते हैं, उसी वजह से ना कलर ना डिजाइन एग्जैक्टली दिख नहीं पा रहा, डिटेलिंग नहीं दिख पा रही। बट एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, बिल्ड क्वालिटी सुपर्ब है, काफी क्रेजी है, काफी ज्यादा हैवी है, और इतना हैवी है कि मुझे लग रहा है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 4 kWh की बैटरी तो होनी चाहिए। टॉप स्पीड का मुझे कुछ आइडिया नहीं अभी लग पा रहा, बट पावर बहुत ज्यादा है, पावर मोड पे थ्रोटल पूरा खींचने में बहुत क्रेजी 0-40 होने वाला है। अगेन कुछ उसमें भी मैं क्लियर नहीं हूं, टॉप स्पीड मेरे हिसाब से रह सकती है 80-85 तक की, 90 भी हिट कर सकती है, पावर तो है। प्राइस का कुछ आइडिया नहीं भाई, नाम ही नहीं पता तो प्राइस का कैसे बता दूंगा मैं, और ना ही मैं स्पेकुलेट करना चाहूंगा इसका फिलहाल अभी तो। वेल नाम इसका देखिए दोस्तों, नेक्स्ट लिखा है एज इन द नेक्स्ट बिग थिंग, तो पीछे 2-3 अक्षर मिस हैं, हम थोड़ी सी पहेलियां जोड़ के देख सकते हैं नेक्स्ट बिग थिंग। तो नेक्स्ट के बाद क्या आ सकता है, प्राइमस मैग्नस नेक्स्ट, मे बी मुझे लगता है ये हो सकता है। दोस्तों जो इसकी बूट स्पेस है उसका एग्जैक्ट लीटर्स नहीं पता, लाइक आई टोल्ड यू स्पेक्स नहीं पता, बट इतनी अच्छी खासी है, इतनी डीप है कि एक हेलमेट भी आ जाएगा, काफी अच्छा खासा सामान आ जाएगा, गुड वर्क। ऊपर से सीट भी बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा अच्छी है, तभी फैमिली स्कूटर है भाई। फ्रंट पे दिख रही है हमें डिस्क ब्रेक, डुअल सस्पेंशन, अलॉय व्हील्स एंड काफी बल्की डिजाइन। हेडलाइट्स भी काफी कूल है, काफी यूनिक डिजाइन है, एम्पियर की ब्रांडिंग दिख रही है, DRL लाइट्स एंड ये LED लाइट्स है। नीचे मिल जाता है हमें फ्लैट फुटबोर्ड एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज, सेंटर स्टैंड साथ में आ रहा है, एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। यहाँ भी मिल जाती है हमें हाइब्रिड स्विंग आर्म एंड उसी के साथ में पीछे मिलती है ड्रम ब्रेक्स, मजबूत ग्रैब हैंडल है एंड उसी के साथ में दोस्तों जो टेल लाइट का डिजाइन है मुझे काफी अच्छा लगा। तो यहाँ भी मिलती है 7 inches की TFT टच स्क्रीन, इंटरेस्टिंगली इसका जो बूट टाइम है वो 2 seconds से भी कम है, मतलब। तो दोस्तों इसमें मिलते हैं हमें 2 day and night मोड, उसी के साथ में 3 अलग अलग मोड आ जाते हैं, इको मोड, सिटी मोड एंड पावर मोड। एंड ये देखो अभी ऑटोमेटिकली ये नाइट मोड में चला गया क्योंकि सेंसर है, तो खुद ये पिक कर लेता है, यहाँ पे बैटरी परसेंटेज दिख रही है। सो दोस्तों जो बटन है उनकी भी क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है, काफी डिफरेंट है एंड काफी ज्यादा कंट्रोल्स मिल जाते हैं, बेसिक जो सारे मिलते हैं फीचर वाइज। एंड इंटरेस्टिंगली हम जो इसका क्लस्टर है उसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं इन्हीं बटन्स के साथ, तो उसकी चीजें चेंज हो जाती हैं, यहाँ से मोड चेंज हो जाएंगे, पार्क मोड हट जाएगा, इंडिकेटर्स एंड एवरीथिंग। लेट्स टेक इट ऑन अ शॉर्ट राइड, आ जाओ। दोस्तों पावर मोड पे फुल भगा रहा हूँ एंड काफी अच्छा थ्रिल है, ओह माय गुडनेस, ग्रेट पावर, ग्रेट ब्रेकिंग। मैंने बहुत ज्यादा हार्ड ब्रेक नहीं लगाई बट काफी अच्छे से वर्क कर रही है, फ्रंट डिस्क है, पिछली ड्रम ब्रेक है। एंड यार ये मत सोचना हम बिना हेलमेट के ट्राई कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा एरिया चेक कर रहा था, शॉर्ट राइड रिव्यू लिया है एंड आपको शॉर्ट राइड रिव्यू ही दे रहा हूँ। सस्पेंशन मक्खन मलाई जैसे है, जैसे बोल रहे थे दोस्तों, काफी अच्छा, काफी बल्की डिजाइन है, तो जो लोगों को बल्कि चीज चाहिए थी भाई तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, चलाने में बहुत मजा आ रहा है, सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं, लाइक पिलियन के लिए और भी ज्यादा अच्छे हैं, मैंने पूछा तो ये जंप्स वगैरह पे ना मक्खन जैसी फीलिंग है, वो हाइब्रिड स्विंग आर्म की वजह से ये चीज बहुत मस्त हो रही है। तो दोस्तों इको मोड पे भी काफी प्रैक्टिकल लगा, और ये जो चीज है जो ये बार्स रेज हो रहे हैं ये एक अच्छी फीलिंग दे रहे हैं जो रेस के हिसाब से हो रहे हैं। अभी सिटी मोड है, सिटी मोड में भी स्मूथ है एंड जो स्पोर्ट मोड है, पावर मोड बेसिकली, भाई साहब ये RPM आपको थ्रिल देगा,
लाइक अलग लेवल का। तो दोस्तों राइड रिव्यू मैं कर आया हूँ। वेल, इसका जो इको मोड है ना वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आई लाइक इट क्योंकि इको मोड में भी डिसेंट पावर है कि आप एक्चुअल में अच्छा खासा यूज कर सकते हो। आपको मोड स्विच करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। सिटी मोड तो ऑफकोर्स अच्छा होता है एंड पावर मोड में मजा है, तेज है। एंड उसी के साथ में जो सबसे ज्यादा इंप्रेसिव चीज है मेरे लिए, दैट इज सस्पेंशन। मक्खन जैसी फीलिंग आएगी पिलियन बन के। पीछे बैठ के मैंने देखा, मजा आ गया। मतलब सीट सॉफ्ट है, ऑफ कोर्स होती है सभी अच्छी स्कूटर्स की, बट इसके जो हाइब्रिड स्विंग आर्म है उसकी वजह से डुअल सस्पेंशन मिल रहा है एंड इंडिविजुअल सस्पेंशन है, पीछे दो सस्पेंशन है अलग अलग से है, तो वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस दे रहे हैं। तो इसी वजह से स्कूटर काफी अच्छी कंडीशन में, यार देखो 4600 किलोमीटर से चल चुका है अभी तक, वडोदरा तक कश्मीर से, तो उसके बाद ये मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा है एंड काफी अच्छी सस्पेंशन है। लाइक हार्डकोर टेस्टिंग हो गई पहाड़ों पे, राजस्थान पे, एंड लेट मी टेल यू भाई, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। वी मैनेज्ड द स्कूटर समहाउ, किसी तरीके से मैनेज कर लिया, क्योंकि मैं चाहता था एक्सक्लूसिव चीज दिखा पाऊं आपको, एक अलग सी चीज सबसे पहले दिखाने की कोशिश करूं। हालांकि पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, बट राइड करने के बाद मैं एक चीज जरूर बोल सकता हूं कि ये एक बहुत ही यूनिक चीज आ रही है एज इन फैमिली प्लस स्पोर्ट्स स्कूटर, जो शायद आपको 40 प्लस या 50 प्लस लोगों को चलाते हुए देख सकते हो। एंड उसी के साथ में मेरे जैसे 20 22 25 साल के लड़के भी इसे डेफिनेटली चलाते आपको दिखेंगे जब ये लॉन्च होगा। एंड आई होप ये जल्दी लॉन्च हो जाए। क्या प्राइस रहेगा वो भी मैटर करेगा, बट डेफिनेटली ये चीज एक बहुत बड़ा थ्रेट बन सकती है ऑलरेडी जो मार्केट में फैमिली स्कूटर्स हैं उनके लिए। आई एम सो श्योर उनके लिए ये चीज बहुत बड़ा थ्रेट हो सकती है। अगेन प्राइस मैटर करेगा, बट इंटरेस्टिंग है यार, फैमिली स्कूटर, स्मार्ट, स्पोर्टी, थ्रिल, सब कुछ है। अभी तक बिगर स्पेक्स नहीं है तो कमी तो नहीं है, राइड के बाद कोई कमी नहीं, चलाने के लिए कोई कमी नहीं, स्पेक्स जब आएंगे फिर प्राइस आएगा। जब उन दोनों को कंपेयर करेंगे फिर आपको बता पाएंगे कोई कमी है या नहीं। एवरीथिंग एल्स इज ग्रेट, एटलीस्ट फॉर मी, मेरे आईटी के बंदे के लिए बहुत मस्त चीज है, बहुत मजा आया मुझे चलाते हुए। ऐसी एक्सक्लूसिव वीडियो के लिए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि आपको बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव ईवी रिलेटेड कॉन्टेंट दें, एकदम रियलिस्टिक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, मिलते हैं अगली वीडियो में। ब्रेक भी बहुत ज्यादा बढ़िया है, पीछे वाली ड्रम ब्रेक है, आगे वाली डिस्क है। मुंदरी बनाई फिरे ते विच नक जड़वाई फिरे।